स्टार प्रचारक और अमेठी से प्रत्याशी स्मृति ईरानी गोरखपुर पहुंची, जहां पर एमपी पॉलिटेक्निक में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान भारी तादाद में महिला मोर्चा की कार्यकर्ता एमपी पॉलिटेक्निक में मौजूद रहीं। इस दौरान लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन की पत्नी प्रीति शुक्ला भी मौजूद थीं। भाजपा महिला मोर्चा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने रवि किशन को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया कि हमें संगठन ने ये मौका दिया कि आज अंतिम चरण के इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम रवि जी के समर्थन में एक बाइक रैली निकालेंगे। मुझसे कहा गया दीदी आइए और सिर्फ झंडा देकर चले जाइए, और मेरा अनुभव ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ऐसा जो सेना को बीच मतदान में छोड़कर नहीं जाता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन परिवार ऐसा जो अगर बाइक रैली में गोरखपुर की बहनें आई हैं तो उनके संग बाइक पर बैठने का मुझे भी अवसर मिले। एक तेज रफ्तार के साथ हम आगे बढ़े। कुछ भाइयों को संकोच था कि दीदी चला लेंगी, मैंने कहा भैया घर चला लेते हैं, उससे बड़ी बात तो नहीं होगी। कुछ भाइयों ने कहा दीदी गिरेंगी तो नहीं, हमने कहा भाई महिला जब एक गृहस्थी में पहला कदम रखती है तो अग्नि के फेरे लेकर ये संकल्प देती है प्रभु के सामने कि अगर जीवन में पति भी कभी लड़खड़ा जाए तो उसको संभाल लेंगे। जो जीवन भर दूसरों को संभालती आई है वो बाइक नहीं संभाल पाएगी, क्यों नहीं? और आज इस रैली के माध्यम से संकेत समाज में मात्र ये कि इस राष्ट्र ने महिला विकास के बारे में कई चर्चाएं सुने, कई नेताओं के भाषण सुने, लेकिन राष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत का नव निर्माण करना है तो महिला विकास से बढ़कर अब महिला द्वारा विकास पर अपने ध्यान को केंद्रित करना है। भाजपा